चंदुमान हाशी गाड़ी लेता ना तो ब्रांड न्यू गाड़ी पे भाई धमाकेदार ऑफर भी है। शुक्र के साथ एक और नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खरीत से हो गए, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमारा मशहद में है चौथा दिन, अभी हम निकले हुए हैं जैसा कि देख ही सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, लोगों के ईरान की गलियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का रिहाइश कैसी है, तर्जो तमीर कैसी है, जिंदगी कैसी है, कि सामने सामने से इन्होंने सफाई की हुई है या फिर हमें पाकिस्तान की तरह ऊपर ऊपर से लोचा लगा हुआ है, दरमियान में से कुछ भी नहीं। लेकिन मैं देखने को मिल रहा है लोगों ने सफाइयाँ देखी कितनी अच्छी तरह से गलियों में भी हुई हुई है, और ये जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं सारी एक तरतीब से लगी हैं, ना कि किसी ने घर के दरवाजे के सामने लगाई हुई है, साइडों पर एक तरतीब से एक लिहाज से लगाई गई। और सबसे ज़रूरी बात, आज पहले दिन चौथा दिन हो गया मुझे मशहद में, मैंने आज तक कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं देखा था। अगर कोक भी थी तो इनकी खुद की कोक बनी हुई थी, ना कि नेक्स्ट लेवल किस्म के बंदे पहुंचे हुए। इंटरनेशनल पाबंदियां होने के बावजूद भी इन्होंने मतलब कि अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है कि आप कह नहीं सकते कोई किसी चीज़ की पाबंदियाँ, क्योंकि इनके लगा लें आप बैंक्स अपने हैं, इनके ATM कार्ड की अपनी है, चाहे आप मशीन यूज़ कर रहे हैं वो अपने हैं, ईच एंड एवरी थिंग इनका अपना है। और बताता चलूँ कि ये 17वें नंबर पर दुनिया की बड़ी कंट्रियों में से ये ईरान पहली कंट्री है, और ये बता दूँ ये मजहबी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ार वगैरह मिल जाते हैं और बहुत किस्म की ज़्यारतों की जगह मिल जाती हैं। और दूसरी वो बात रही, और ये आज मैंने पहले दिन रिक्शा देखा, मोटरसाइकिल पर रिक्शा नहीं तो रिक्शा भी देखने के लिए, मेरा अभी बच्चा है तो बच्चे से बात करते हैं, साला भाई उन्हें कहा ही नहीं पाया, उन्हें कहा ही नहीं पाया, चकल दी पुतू ली गया। तो जी ये देखे कि कितनी प्यारी इनकी स्ट्रीट है। तो जी मैं बता रहा था कि यहाँ पर मैंने पहले दिन कोई इंटरनेशनल ब्रांड देखा है, वो भी हुंडई वालों का सनाटा ब्रांड था, मतलब कि हुंडई ब्रांड था, गाड़ी उनकी सनाटा थी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस उनकी गाड़ी है। तो अभी ईरान में चलते हैं, इनकी गलियाँ मोहल्ले घूम रहे हैं और आपको भी साथ में दिखा रहे हैं। और हाँ मैं बता रहा था कि मजहबी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कदीम शहर है, और मशहद जो है ये इनके दूसरी सिटी है तब के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, किसी से मिलती नहीं। यहाँ पर आप 100 लोगों में से मिलोगे जिनमें से 10 लोगों को इंग्लिश आती होगी, बाकी किसी को ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, कुछ भी नहीं आता। ये एक इनका अलहदा सा ही सिचुएशन। अभी चलते चलते एक रोड पर पहुँच गए हैं, तो अभी एक स्ट्रीट की तरफ हम जाने लगे। जी देखे ईरानियन स्कूल कुछ इस तरह से होते हैं, जो पहले मुझे लड़के मिले थे वो यहाँ से निकल के गए हैं, अभी मैं देख रहा था कि कुछ लड़के और यहाँ पर निकल कर गए हैं, कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग गाड़ियों पर थे, कुछ लोग के वालदैन लेने के लिए आए। देखें किस तरह से ये कितनी अहमियत देते हैं दरख्त को, ये देखें जी सूखे हुए दरख्त हैं लेकिन रोड के बीचों बीच खड़े हुए, लेकिन काटे नहीं हैं। ये देखें जी घर बना, हर चीज़ हुई है ठीक है उन्होंने, लेकिन दरख्त को नहीं छेड़ा, दरख्त की साथ अलमारियाँ लगी। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में मिस्त्री बाद में आते हैं, पहले कहते हैं जी ये काटो हमसे काम नहीं होता, यहाँ के भाई कानून है, ये देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जैसा कि आप समझ रहे। ये देखिए हर चीज़ को फॉलो करना, हम पाकिस्तानी बाहर वाले यूरोप में रह कर हर कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे ही पाकिस्तान में इंटर होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। गाड़ियाँ कैसी कतार में लगी हुई हैं, एक से एक बढ़ के, जैसा कि मैं कह रहा था कि दरवाजे, ये देखो ये भी दरवाजा, ये भी दरवाजा बंद कर। दोनों आ रहे हो ना, सिफर्स लाइक दिस हाउ मच
can say one piece. हाँ एक पीस. It's a chocolate. चल पा दे पा दे. तो ये वाला ले ले. चंदुमान. चंदुमान. हाशी. हाशिया कितना होता है भाई? 8,000 रुपया. यार हाँ वापस देवे की 2,000 है. थैंक यू सो मच. तो जी ये अभी लेनी तो मैंने चॉकलेट चाहिए थी, लेकिन चॉकलेट तो कहाँ से मिली? इनकी तो एक समझ नहीं लगती ना क्या. मैं चार चॉकलेट खा था, इन्होंने मुझे ब्रेड पेल दिया 8,000 की. तो मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर देखा जाए तो ये ज्यारत के हिसाब से दूसरा बड़ा मुकाम है, और आबादी के इसलिए आज से भी लगाया जाए तो ये भी दूसरा बड़ा शहर बनता है. और मैं बताता चलो, यहाँ के ये मैंने स्वीट लेने का सिर्फ एक ही मकसद था. यहाँ की जो चॉकलेट्स वगैरह हैं या स्वीट हैं ये इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है. और लगे हैं खाने जो केक लिया हुआ था. अभी मैं बताता चलता हूँ इसका टेस्ट कैसा है. या बहुत ही अच्छा. सलाम. इज देयर बाबुल जवाब स्ट्रीट? बाबुल जवाब. आप लोगों को एक और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बता दूं कि यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, हर एक के पास गाड़ी है भाई. मैं बताता चलूं कि गाड़ी का क्या हिसाब किताब है. ये देखें, ये इनका ब्रांड है, ये घोड़ा बना हुआ है. ये हिसाब किताब होता, कोई ब्रांड न्यू गाड़ी लेता ना तो ब्रांड न्यू गाड़ी पे भाई धमाकेदार ऑफर भी है उस कंपनी ने कि हमारी कंपनी की तरफ से गाड़ी लो जी, ना ही ब्रांड न्यू तो फिर हम आपको डिस्काउंट देंगे. डिस्काउंट क्या होता है जी, मैं वो डिस्काउंट बताता चलूँ. वो आपको एक कार्ड देंगे, उस कंपनी की कार्ड होगा, और उस कंपनी का कार्ड पर आपको एक मंथ का गाड़ी का 120 लीटर, और जबकि आप बाइक लेते हैं तो बाइक पर आपको 60 लीटर मिलता है यार देखो. हाँ उसके अलावा अगर आप ज़्यादा यूज़ है तो आप वहाँ से भी मतलब कि पेट्रोल पंप वगैरह से भी डलवा सकते हैं. तो पेट्रोल पंप से अगर डलवाया जाए तो ये भाई साहब पाकिस्तानी 11 रुपए लीटर यार, इतना सस्ता. और ये दुनिया का बेस्ट पेट्रोलों में से एक पेट्रोल है, पेट्रोलियम डीजल सिस्टम है पाकिस्तानी के हिसाब से अगर लगाया जाए तो. यह भाई साहब टैक्स वैक्स लगा कर, किराए लगा कर, वो जो होता है बॉर्डर वगैरह क्रॉसिंग की हर एक चीज़ लगा कर जो भी पाकिस्तानी टैक्स लगाते तो 33 रुपया लीटर. 23 मैं वो 33 का 23 रुपया लीटर. तो भाई साहब पाकिस्तान में अब क्या मिल रहा है, 260 आई थिंक 230-60 के दरमियान में, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद भाईजान. 30 रुपया लीटर नहीं ले रहे, डॉलर्स में ले रहे हैं भाई. ना हुआ है ना हर मुल्क को ऐसी ठोका हुआ है कि जो 23 रुपया लीटर बढ़ रहा है साथ में इस घर से उठकर दूसरे वाले घर पे, ये घरों वाला हिसाब होता है ना बॉर्डर्स का भी, वहां से नहीं जाना. तो महंगा पेट्रोल दाम ले, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, जैसे कि इमरान खान, आई लव पीटीआई सपोर्टर. तो उन्होंने इस चीज को अपनाया नहीं, किया नहीं, इन पे पाबंदियां लग गई जिसको. देन फिर इन्होंने अपना हर एक ब्रांड बनाया, अपनी हर एक चीज बनाई, इवन के ए टू जी सिस्टम इनका अपना है भाई साहब. यहाँ पर जब आप पानी पीते हैं, ये सारे एग्जांपल, उसमें से भी आपको लाइक थोड़ी थोड़ी स्मेल पेट्रोल और डीजल की भी आती है. तो इसलिए लोग गर्म करके या फिल्टर वाला पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का इतना ज़्यादा डीजल और तेल मौजूद है, गैस मौजूद है. यहाँ पर आपको 24 घंटे आपके रूम्स में हीटर, गर्म पानी, बिजली. जब से मैं मशहद में हूँ अभी तो मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए ईरान में, तो इतने दिनों से मैंने एक दफ़ा भी लाइट ने बंद नहीं हुई, एक दफ़ा भी. इतनी पाबंदियों के बावजूद ये स्टेबल है, और एक वाहद पाकिस्तान मुल्क है जिस पर एक किस्म की भी पाबंदी नहीं है, और फिर भी बेचारे का क्या खस्ता हालत है. अगर इसी तरह से ही मैं इन्फॉर्मेशन देता गया, आप सब लोग ने बोर होते जाना, बोर होते जाना. मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ बजाय कि सारी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा, तो ये सारी मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है. और घूम रहा हूँ, बाजार देख रहा हूँ. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. मुझे बताइए आप लोगों को पसंद नहीं आनी, आप लोग देखने वाले हो मतलब कि शशकेबाजी ये वो इधर उधर से, सीधी चीज़ें इंफॉर्मेशन वाली नहीं, बीच में से कोई उठ कर आएंगे पहले
ये कहने के लिए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है तो ये भाई साहब इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को स्किप करेंगे। तो देख लेना 20% तकरीबन यही होगा। तो लेकिन उम्मीद करता हूँ फिर भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, अगर कुछ भी नीचे पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है तो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है। तो इसी के साथ मुझे दी गई इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।